हेलो स्टूडेंट्स, एज यूजुअल आई एम मोहम्मद रईस फ्रॉम टैगोर स्कूल परबतसर। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं टैगोर स्कूल परबतसर से मोहम्मद रईस हूँ। आई वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टैगोर स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस। मैं आप सभी का टैगोर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। इन आवर टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी ए ग्रामेटिकल टॉपिक ऑफ क्लास फिफ्थ। और आज की हमारी इस वीडियो में हम क्लास फिफ्थ से रिलेटेड एक ग्रामेटिकल टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। द टॉपिक नंबर फर्स्ट नेम इज कॉम्पाउंड वर्ड्स। कॉम्पाउंड वर्ड्स का मीनिंग होता है यौगिक शब्द। यानी आज हम क्लास फिफ्थ का जो ग्रामेटिकल टॉपिक नंबर फर्स्ट है कॉम्पाउंड वर्ड्स। कॉम्पाउंड वर्ड्स का मतलब होता है यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द अब जो इसका नेम है वो है कॉम्पाउंड वर्ड्स। तो कॉम्पाउंड वर्ड्स का मीन्स होता है यौगिक शब्द। अब यौगिक शब्द क्या होता है? तो यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। यानी वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं उनको कहा जाता है कॉम्पाउंड वर्ड्स, यानी यौगिक शब्द। तो ये इस चैप्टर का नेम हो गया हमारा कॉम्पाउंड वर्ड्स, यानी यौगिक शब्द, यानी वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं उनको कॉम्पाउंड वर्ड यानी यौगिक शब्द कहा जाता है। अब आगे पढ़ेंगे हम कि कॉम्पाउंड वर्ड इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू वर्ड्स टुगेदर। कि जो कॉम्पाउंड वर्ड है, यानी कॉम्पाउंड वर्ड का मतलब यौगिक शब्द, इज फॉर्म्ड बाई ज्वाइनिंग, फॉर्म्ड यानी बनाए जाते हैं, बाई ज्वाइनिंग यानी जोड़कर, टू वर्ड्स यानी दो शब्दों को, टूगेदर मीन साथ साथ। कि जो कॉम्पाउंड वर्ड है, जो यौगिक शब्द है, वो दो शब्दों को साथ में जोड़कर बनाए जाते हैं। यानी दो शब्दों को जब एड किया जाता है, साथ में जोड़ा जाता है, तो वो क्या बन जाता है? कॉम्पाउंड वर्ड यानी यौगिक शब्द बनता है। इसमें आगे दिया जिसे एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, जैसे आई और ब्रो, ये दो अलग अलग वर्ड है। आई अलग वर्ड है, ब्रो अलग वर्ड है। तो जब आई और ब्रो को क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे, तो इससे क्या बन जाएगा? आई ब्रो। तो ये क्या बन गया? कॉम्पाउंड वर्ड यानी यौगिक शब्द। तो जो जब दो शब्दों, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है वो होता है कॉम्पाउंड वर्ड। यहाँ पे आई और ब्रो ये दो वर्ड है, इनको जब जोड़ेंगे, इनको जोड़ने से क्या बन रहा है? आई ब्रो। तो ये आई ब्रो क्या हो गया? कॉम्पाउंड वर्ड। फिर इसी प्रकार से जैसे आई प्लस लिड, तो ये हो गया आई और लिड को एड करेंगे, ज्वाइन करेंगे तो हो जाएगा आई लिड। फिर इसी प्रकार से जैसे सन और फ्लावर, सन और फ्लावर को जब हम ज्वाइन करेंगे, जोड़ेंगे, तो वो बन जाएगा सनफ्लावर। इसी प्रकार से जैसे फ्लावर और पॉट को ऐड करेंगे, यानी ज्वाइन करेंगे, जोड़ेंगे, तो वो बन जाएगा फ्लावर पॉट। तो इसी प्रकार से दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर क्या बनाया जाता है? यौगिक शब्द यानी कॉम्पाउंड वर्ड बनाया जाता है। अब आगे देखेंगे, इन दिस वे द न्यू वर्ड फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू वर्ड्स इज कॉल्ड ए कॉम्पाउंड वर्ड। इन दिस वे यानी इस तरीके से, द न्यू वर्ड मीन्स नया शब्द, फॉर्म्ड यानी बनाया जाता है, बाय जॉइनिंग यानी जोड़कर, टू वर्ड्स यानी दो शब्दों को, इज कॉल्ड यानी कहा जाता है ए कॉम्पाउंड वर्ड यानी एक यौगिक शब्द। यानी जब दो शब्दों को, यानी इस प्रकार से जब दो शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? कॉम्पाउंड वर्ड। यानी जब दो शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाया जाता है तो वो जाता है कॉम्पाउंड वर्ड यानी यौगिक शब्द। जैसे आई और ब्रो, ये अलग अलग वर्ड, आई और ब्रो अलग अलग है। जब इन दो वर्ड्स को आपस में एड करेंगे, जोड़ेंगे, तो एक नया शब्द बनेगा आई ब्रो। जैसे आई और लिड, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आई लिड हो जाएगा, पलक जिसको बोलते हैं अपन, आई ब्रो यानी भौहें होती है। जैसे सन और फ्लावर,
सन मीन्स सूरज, फ्लावर मीन्स फूल होता है। जब इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे, दो वर्ड्स को ज्वाइन करेंगे, तो उनसे एक नया शब्द बनेगा जिसको सनफ्लावर यानी सूर्यमुखी, जिसको सूरजमुखी बोलते हैं अपन वो। इसी प्रकार से फ्लावर और पॉट, इन दो अलग अलग वर्ड हैं, इन दोनों को जब हम ज्वाइन करेंगे, जोड़ेंगे दोनों को, तो एक नया शब्द बनेगा फ्लावर पॉट यानी गमला जिसको बोलते हैं अपन। तो इस प्रकार से जब दो शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाया जाता है तो उसको कॉम्पाउंड वर्ड यानी यौगिक शब्द कहा जाता है। आगे देखेंगे, सम इम्पोर्टेंट कॉम्पाउंड वर्ड्स ऑफ योर टेक्स्ट बुक आर एज फॉलोइंग। के सम मीन्स कुछ, इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, कॉम्पाउंड वर्ड्स यानी यौगिक शब्द ऑफ योर टेक्स्ट बुक यानी आपकी पाठ्य पुस्तक के, आर एज फॉलोइंग यानी निम्नलिखित है, यानी यहाँ पे आपकी जो टेक्स्ट बुक है, आपकी जो किताब है, जिस उससे में से यहाँ पे आपको कुछ कॉम्पाउंड वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, ये ऊपर दिया है कॉम्पाउंड वर्ड्स यानी यौगिक शब्द, फ्रॉम लेट्स लर्न इंग्लिश यानी जो आपकी बुक है लेट्स लर्न इंग्लिश, के आओ हम इंग्लिश सीखें, अंग्रेजी सीखें, उस जो बुक है आपकी, जो टेक्स्ट बुक है, उसमें से यहाँ पे आपको कॉम्पाउंड वर्ड्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल जिसे देख रहे हैं हम, वर्ड एक एक को देखेंगे, जैसे सम प्लस डे तो उससे मिलके बना है सम डे। इसी प्रकार से हाउस होल्ड, हाउस होल्ड है तो ये हाउस और होल्ड से मिलके बना है, ठीक है। सम थिंग तो ये सम और थिंग से मिलकर बना है। जैसे अगला है मैजिक लैम्प, तो ये मैजिक प्लस लैम्प से मिलकर बना है मैजिक लैम्प। फिर अगला है जैसे मदरलैंड, तो मदर प्लस लैंड से बनकर बना है, मिलकर बना है मदरलैंड। इसी प्रकार से अगला है जैसे फायर क्रैकर्स, तो फायर और क्रैकर से मिलकर बना है फायर क्रैकर्स। जैसे फायर फ्लाई, तो इसमें फायर और फ्लाई से मिलकर बना है फायर फ्लाई। अगला है जैसे अनकॉन्सियस, तो इसमें, अब इसमें एक चीज ध्यान रखें, अब नया शब्द बनाते समय इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज भी किया जा सकता है। जैसे इसमें प्रीफिक्स सफिक्स का यूजेज आएगा, जैसे ये देखिए आप प्रीफिक्स आ रहा है अनकॉन्सियस, तो इसमें अन क्या हो गया प्रीफिक्स, और अनकॉन्सियस अलग हो गया, तो अन प्लस कॉन्सियस से मिलकर बना है अनकॉन्सियस। फिर अगला जैसे शोरूम, तो शो और रूम से मिलकर बना है शोरूम, एस एच ओ डब्ल्यू शो प्लस आर डब्ल्यू एम रूम, इससे मिलकर बना है शोरूम। फिर अगला है जैसे अवर सेल्स, अवर सेल्स का मतलब अवर प्लस सेल्स से मिलकर बना है अवर सेल्स। फिर नेक्स्ट है जैसे नोटबुक, तो नोट और बुक से मिलकर बना है नोटबुक। फिर एवरीवन, तो एवरी ईवी आर वाई एवरी और वन ओ एन ई वन, तो एवरीवन, तो एवरी प्लस वन से मिलके बना है एवरी वन। फिर जैसे नेक्स्ट है नथिंग, तो इसमें नो प्लस थिंग है, एन ओ नो प्लस टी एच आई एन जी नथिंग, तो इसमें नो प्लस थिंग से बना है नथिंग। फिर लास्ट है जैसे अनजस्ट, अनजस्ट, तो इसमें अन प्लस जस्ट, अनजस्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से और दिए हुए वो भी देख लेते हैं, जैसे प्रेयर असेंबली, तो इसमें प्रेयर प्लस असेंबली से मिलके बना है प्रेयर असेंबली। फिर इसी प्रकार से आगे देखिए आप क्लास रूम, तो इसमें क्लास प्लस रूम से मिलके बना है क्लास रूम। अगला है जैसे फायरवर्क्स, तो इसमें फायर और वर्क से मिलके बना है फायरवर्क्स। फिर अगला है जैसे अंडरस्टूड, तो इसमें अंडर और स्टूड से मिलके बना है अंडरस्टूड। इसी प्रकार से अगला है अपना जैसे ओवरकम, तो इसमें ओवर और कम से मिलके बना है ओवरकम। इसी प्रकार से जैसे अनटाइडी, तो अन और टाइडी से मिलके बना है अनटाइडी। और अनहैप्पी, तो इसमें भी अन प्लस हैप्पी से मिलके बना है अनहैप्पी। नेक्स्ट है जैसे न्यूज पेपर, तो न्यूज एन ई डब्ल्यू एच न्यूज और पेपर से मिलके बना है न्यूज पेपर। फिर नेक्स्ट है जैसे वंडरफुल, तो इसमें वंडर डब्ल्यू एन डी आर वंडर प्लस फुल से बन के बना है वंडरफुल। इसी प्रकार से अगला जैसे केयरफुली, तो सी ए आर ई एफ प्लस एफ यू डब्ल एल वाई केयरफुली। हैंडमेड, तो एच एन डी हैंड प्लस एम ए डी मैड बराबर हैंडमेड। फिर अगला जैसे वॉट ईवर, तो वॉट प्लस ई वी ई आर ईवर,
इक्वल टू वट इवर। नेक्स्ट है जैसे टीन एज, तो टी डब्ल्यू एन टीन प्लस एज जी ई एज, तो टीन प्लस एज इक्वल टू टीन एज। नेक्स्ट है जैसे और आगे दिए हुए वर्ड्स, जैसे कॉब वेब, अब इसमें कॉब प्लस वेब से मिलके बना है कॉब वेब यानी मकड़ी का जाला। और नेक्स्ट है जैसे एवरी प्लस डे, तो एवरी डे प्रतिदिन। नेक्स्ट है जैसे फ्लावर बेड, तो इसमें होगा फ्लावर प्लस बेड, फ्लावर बेड क्यारियां, फूलों की क्यारियां जिसको बोले। नेक्स्ट है जैसे चैटर बॉक्स, सी इसमें चैटर सी एच ए डबल टी ई आर प्लस बी ओ एक्स, चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स का मतलब होता है बातूनी, ज्यादा बातें करने वाला। नेक्स्ट है जैसे डस्टबिन, तो डस्ट प्लस बीन, तो हो जाएगा डस्टबिन मीन्स कचरा पात्र। और नेक्स्ट है जैसे स्लिप लेस, तो स्लिप एस एल डब्ल्यू पी स्लिप प्लस लेस एल ई डब्ल्यू एस, स्लिप लेस यानी नींद रहित। और जैसे नेक्स्ट है अनजस्ट, तो यू एन एन प्लस जे यू एस टी जस्ट। और नेक्स्ट है जैसे गोल्ड स्मिथ, तो जी ओ एल डी और एस एम आई टी एच, गोल्ड स्मिथ मीन सुनार। और इम्पेटेंट, इम्पेटेंट इम्पेटेंट का मतलब अधीर जिसको बोलें, तो इम प्लस पेटेंट, पेटेंट तो पी ए टी आई एन टी पेशेंट, इम प्लस पेशेंट तो इम्पेटेंट यानी धैर्यहीन। और नेक्स्ट है होमवर्क, तो इसमें होम प्लस वर्क तो मिलके बना है होमवर्क। अगला है जैसे प्लेग्राउंड, तो प्ले प्लस ग्राउंड से बना है प्लेग्राउंड। वाटर बॉडीज, तो वाटर प्लस बॉडीज से मिलके बना है वाटर बॉडीज। ऑटो रिक्शा, तो इसमें ऑटो प्लस रिक्शा से मिलके बना है ऑटो रिक्शा। तो ये हमने जो आपकी जो टेक्स्ट बुक है, जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है, उसमें आए हुए कुछ कॉम्पाउंड जो वर्ड्स है वो हमने इसमें देखे हैं। अब आगे देखेंगे एक्सरसाइज वगैरह। ये जो चैप्टर वो कंप्लीट हो चुका है, अब इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज हैं, अभ्यास करने का है। एक्सरसाइज दी हुई आपको यहाँ पे, जैसे एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, पहली एक्सरसाइज है कि मैच ए विद बी टू फॉर्म मीनिंगफुल कॉम्पाउंड वर्ड्स। मैच मीन मिलान करें, ए यानी ए को विद बी यानी बी से, यानी ए को बी से मिलान करना है टू फॉर्म यानी बनाने के लिए मीनिंगफुल मीन्स अर्थपूर्ण कॉम्पाउंड वर्ड्स यानी यौगिक शब्द। के ए को यानी मीनिंगफुल यानी अर्थपूर्ण यौगिक शब्द बनाने के लिए ए को बी से मैच करें, यानी ए को बी से मिलान करना है, यानी अर्थपूर्ण जो मीनिंगफुल कॉम्पाउंड वर्ड बनाने के लिए ए को बी से मैच करना है। तो जैसे ये देखेंगे, अब फर्स्ट है जैसे ओवर, तो ओवर का मैच होगा जैसे ओवर, ओवरकम तो ओवर के साथ में आ जाएगा कम, तो ओवरकम। फिर अगला जैसे डस्ट, और यहाँ पे इसमें देख सकते हैं दो बॉक्सेस दिए हुए आपको, दो बॉक्स है तो उसमें इसमें नहीं मिले तो इस साइड में देखना। तो ए को बी से मिलान करना, जैसे ओवर का हो जाएगा कम, तो ओवर प्लस कम इक्वल टू ओवर कम। फिर अगला जैसे डस्ट, तो यहाँ पे कहीं आया है नहीं आया, ये देखिए बीन, तो डस्ट प्लस बीन तो हो जाएगा डस्ट बीन। थर्ड देखिए आप फायर, फायर में आप देखिए इसमें शेड वाला नहीं है, तो फायर प्लस ये रहा क्रैकर्स, तो फायर प्लस क्रैकर्स और इक्वल टू हो जाएगा फायर क्रैकर्स यानी पटाखे जिसको बोलते हैं अपन। नेक्स्ट है जैसे सन, और इसमें से आया क्या देखिए, सन प्लस, सन प्लस ये आया रे, सन प्लस रे यानी सन रे यानी सूरज की किरणें, तो सन प्लस रे, सन रे मीन सूरज की किरणें। फिर अगला फिफ्थ जैसे मदर, मदर के इसमें से ये देखिए आप ये रहा लैंड, तो मदर प्लस लैंड तो हो जाएगा मदरलैंड मीन्स मातृभूमि। और ये हो गया फाइव। अब सिक्स देखिए आप हाउस, हाउस के देखिए आप ये रहा फर्स्ट नंबर पे, हाउस प्लस होल्ड इक्वल टू हाउस होल्ड, तो ये हाउस किससे मैच होगा होल्ड से। फिर नेक्स्ट है जिसे चैटर, ये रहा बॉक्स, ये चैटर प्लस बॉक्स, चैटर बॉक्स मीन्स बातूनी, तो चैटर बॉक्स से मैच होगा।
फिर है जैसे न्यूज, और ये पेपर, ये न्यूज पेपर यानी समाचार पत्र, इससे मैच हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है जैसे नाइन, फ्लावर, फ्लावर बेड, तो फ्लावर बेड से हो जाएगा, फ्लावर प्लस बेड, फ्लावर बेड मीन्स फूलों की क्यारियाँ, फूलों की क्यारी। और नेक्स्ट है टेन, शो और प्लस रूम, तो हो जाएगा शोरूम। तो इस प्रकार से आपको मैच करना है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नोट डाउन करना है। उसके बाद में आपको एक ही लंबी बनानी है बॉक्स, एक साइड ए लिखे 1 to 10 तक, दूसरी साइड में बी डाल के 1 to 10 तक लिखें, और फिर उनको आपस में मिलान कर दें। इस पर तो ओवर का मिलान होगा कम से, डस्ट का, ये रहा यहाँ पे बीन से, फायर का, क्रेकर से, और सन का, रे से, मदर का, लैंड से, हाउस का, हॉल से, चैटर का बॉक्स से, न्यूज का पेपर से, फ्लावर को बेड से, और शो को रूम से मैच करना है। तो ये एक एक्सरसाइज होगी आपको एज ए होमवर्क, इसको करने का है, एक तो एक एक्सरसाइज होगी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2, तो एक्सरसाइज नंबर 2 देखेंगे। अब इसमें क्या है, राइट द वर्ड्स फ्रॉम विच दीज कॉम्पाउंड वर्ड्स हैव बीन फॉर्म्ड, कि राइट मीन्स लिखें द वर्ड्स यानी शब्दों को, फ्रॉम विच यानी जो कि, दीज कॉम्पाउंड वर्ड यानी ये जो कॉम्पाउंड वर्ड है, जो यौगिक शब्द है वो, हैव बीन फॉर्म्ड यानी बने हैं, कि उन शब्दों को लिखना, यानी उन शब्दों को हमें लिखना है जिनसे ये कॉम्पाउंड वर्ड यानी यौगिक शब्द बने हैं। तो जिनसे, जैसे ये प्ले ग्राउंड है, तो प्ले और ग्राउंड से मिलके क्या बना है, प्ले ग्राउंड बना है। तो हमें क्या लिखना है, टू पास्ट में आपको देख रहे हैं, टू ब्लैंक दिया है, 1 2, यानी आपको टू वो वर्ड्स, दो शब्द लिखने हैं जिनसे मिलके ये शब्द बने हैं। तो जैसे आपको ये क्वेश्चन नोट डाउन करने के बाद में आपको करना है, जैसे फर्स्ट है प्ले ग्राउंड। अब प्ले ग्राउंड किन दो शब्दों से मिलके बना है, तो प्ले, PLAY, प्ले, और दूसरा है ग्राउंड, GROUND, तो प्ले प्लस ग्राउंड से मिलके बना है प्ले ग्राउंड। फिर नेक्स्ट है जैसे बेड सीट। अब बेड सीट किस दो शब्दों से मिलके बना है, BED, बेड, और दूसरा है SHEET, तो बेड प्लस सीट से मिलके बना है बेड सीट, तो यहां बेड लिख देंगे, यहां सीट लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है जैसे वॉट ईवर। अब वॉट ईवर भी दो शब्दों से मिलके बना है, वॉट प्लस ईवर से, तो पहला हो जाएगा वॉट, WHAT, वॉट, और प्लस ईवर, EVER, तो वॉट प्लस ईवर। और नेक्स्ट फोर्थ नोटबुक। अब नोटबुक भी दो शब्दों से मिलके बना है, नोट, NOTE, नोट, प्लस बुक, BOOK, बुक, तो नोट प्लस बुक से मिलके बना है नोटबुक। और नेक्स्ट है फिफ्थ फायरफ्लाई। अब फायरफ्लाई भी दो शब्दों से मिलके बना है, फायर, FIRE, फायर, और दूसरा है फ्लाई, FLY, तो फायर प्लस फ्लाई से मिलके बना है फायरफ्लाई, मींस फायरफ्लाई का मतलब होता है जुगनू जिसको बोलते हैं। और नेक्स्ट है सिक्स बटन होल, तो ये भी दो शब्दों से मिलके बना है, बटन प्लस होल, तो BUTTO एंड बटन, और दूसरा वो जो वर्ड है वो है हॉल, HOLE, तो बटन प्लस हॉल। और सेवेंथ है क्लासरूम, तो क्लास प्लस रूम, ये भी दो शब्दों से मिला, CLASS, क्लास प्लस RWM, क्लासरूम। तो इस प्रकार से हमें इनको क्या करना है, जो दो वर्ड जिनसे ये बने हैं शब्द, उनको क्या करना है, ये जो यौगिक शब्द बने हुए हैं, इनको किन दो शब्दों से बने हैं, वो दो शब्द अलग अलग लिखने हैं। जैसे प्ले ग्राउंड में तो प्ले प्लस ग्राउंड, बेड सीट तो बेड प्लस सीट, वॉट ईवर तो वॉट प्लस ईवर, नोटबुक तो नोट प्लस बुक, फायरफ्लाई तो फायर प्लस फ्लाई, और बटन होल तो बटन प्लस होल, क्लासरूम तो क्लास प्लस रूम। इस प्रकार से आपको इसको जो आपकी नोटबुक है उसके अंदर नोट डाउन करना है। और इसकी कुछ एक्सरसाइज और बची हुई है, जैसे एक एक्सरसाइज और बची है जो कि हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में जो हमने एज ए होमवर्क आपको जो नोट डाउन करना आपकी नोटबुक के अंदर, वो है एक्सरसाइज नंबर 1। ये आपको एक सीधी इंडेक्स बना के फिर करना है मैचिंग वाला। और एक एक्सरसाइज नंबर 2, ये भी आपको आपकी जो नोटबुक है उसके ग्रामर से रिलेटेड जो अलग से नोटबुक डालनी है, और उसके अंदर सबसे पहले यही वही चीज़ें ध्यान रखनी है, चैप्टर यानी चैप्टर का नंबर, चैप्टर नेम,
उसके बाद में फिर शुरू करें इसको। अब उसमें क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन उतरें, उसके बाद में क्वेश्चन उतारने के बाद में फिर आपको ये जो बॉक्सेज वगैरह जो इंडेक्स है वो बना के फिर मैच करना है। फिर उस हर क्वेश्चन का आंसर होने के बाद में वन लाइन ब्लैंक छोड़नी है, उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नोट डाउन करना है। फिर एक चीज़ ध्यान रखें, इनके नंबर भी आप डालते रहें, जो नंबर्स दिए हुए वो नंबर डालते रहें। वन लाइन में एक ही करना है, एक लाइन में एक ही करना है, ये नहीं कि एक लाइन में दो कर दें। जैसे ये किया हुआ ऑलरेडी उसी आपको सेट के अंदर इनको आपकी जो नोटबुक है उसके अंदर नोट डाउन करना है। तो इट इज एनफ फॉर टुडे। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व द फर्दर एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।